हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स के बारे में कि जिसको हम कहते हैं ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। तो उसके हम बेसिक यूज़ के बारे में जानेंगे और करेंगे उसकी डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी, उसका ड्रग क्लासिफिकेशन चेक करेंगे और ये क्लास के मेडिकेशन को हम कहते हैं कि फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिकॉज ये ऐसे मेडिकेशन है कि उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारे ये रेस्पिरेटरी ट्रैक पर होती है। तो डिटेल में स्टडी करते हैं ये मेडिकेशन के बारे में और आज हम सीखेंगे एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स के बारे में। एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बी इन वन लेक फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। सब्सक्राइब करिए चैनल, प्रेस करिए बेल आइकॉन, यूज़ करिए ऐप फार्मारॉक्स, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। कि अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड कर सकते हैं आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले समझिए एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स की डेफिनेशन के बारे में। तो दीज आर ए क्लास ऑफ मेडिकेशन विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, अ डिसीज ऑफ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कि जो हमारा मेन ये मेडिकेशन का जो यूज़ हम कहें, व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ दिस मेडिकेशन, कि जिसको हम कहते हैं एंटी अस्थमेटिक ड्रग। तो जो मेडिकल कंडीशन है ब्रोंकियल अस्थमा की, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड डिसीज़ है, उसकी ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। एंड दे आर ए मेडिकेशंस कॉल ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये पॉइंट आप प्रायोरिटी बेस से अच्छे से याद रखें कि जब कोई पेशेंट अस्थमा का पेशेंट होता है, दम का जो पेशेंट होता है कि जिसको दमा होता है, तो इस तरह से आपने देखा होगा कि जो इन्हेलर्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो अस्थमा के जो पेशेंट के अंदर ये इन्हेलर्स में कौन से मेडिकेशंस होते हैं वो सब हम आगे जानेंगे ये लेक्चर के अंदर। सो थस द एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स आर द मेडिसिन्स that are treat और prevent अस्थमा अटैक। जब अस्थमेटिक अटैक पेशेंट को होता है तो तुरंत वो ये अस्थमा का जो पंप होता है वो यूज़ करता है, वो हमें पता है। तो उसके अंदर कौन से मेडिसिन्स होते हैं कि जो अस्थमा के अटैक को ट्रीट भी करती है और साथ ही साथ उसको प्रिवेंट करवाने का काम करती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अस्थमा, अस्थमा में एक्चुअल में होता क्या है। अस्थमा के जिसको हम दमे की बीमारी या फिर हिंदी में दमा कहते हैं, तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा एयरवेज का जो पाथवे होता है वो हो जाता है नैरो। अस्थमा इज़ ए मेडिकल कंडीशन इन विच योर एयरवे नैरो, स्वेल एंड मे प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस। तो ये देखिए कि ये जो हमारा एयरवे है, तो अस्थमा के अंदर ये एयरवे जो है वो काफ़ी हो चुका है नैरो, मतलब कि उसका डायमीटर काफ़ी कम हो जाता है। उसका रीज़न है कि साथ में वहाँ पे होती है स्वेलिंग कि जिसको हम इन्फ्लेमेशन भी कह सकते हैं, और वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है म्यूकस, म्यूकस का भी प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। ये कंडीशन बनती है अस्थमा, जिसके कारण क्या होता है जो भी पर्सन को ये प्रॉब्लम होता है उनको सांस लेने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट एंड ट्रिगर द कफिंग। कफिंग जो खांसी होती है होता है, फिर विसलिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है कि जिसको हम कहते हैं विजिंग व्हेन यू ब्रीथ आउट, एंड द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो अस्थमा का जो पेशेंट होता है उसको जो ब्रीथिंग करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, खांसी होती है, जब वो ब्रीथ आउट करता है तब जो विसल जैसा साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये सब उसके सिम्टम्स बनते हैं। तो ब्रोंकियल अस्थमा इज ए मेडिकल कंडीशन विच कोज द एयरवे पाथवे ऑफ लंग्स टू स्वेल एंड नैरो। कि ये वाले डायग्राम में देखिए, ये वाला जो है नॉर्मल पाथवे है कि वहाँ पे प्रॉपर म्यूकस की जो लाइनिंग है वो आप देख सकते हैं कि ये है म्यूकस लाइनिंग। फिर स्मूथ मसल्स की एक लाइनिंग देख सकते हैं और ये ब्लड वेसल्स। जबकि ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हुआ है कि इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग आपको यहाँ पे अंदर देखने को मिलती है, जिसके कारण जो अंदर का जो डायमीटर होता है हमारे ब्रोंकाइस का वो काफ़ी हो जाता है कम, और साथ में वहाँ पे एक्सेस जो है वो म्यूकस प्रोड्यूस होता है। तो यूजुअली जो पाथवे है एयर का कि जो लंग्स तक एयर को लेकर जाती है वो स्वेलो हो जाती है और साथ में काफ़ी नैरो हो जाती है। ये है ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन। एंड ड्यू टू दिस स्वेलिंग द एयर पाथ प्रोड्यूस एक्सेस म्यूकस मेकिंग इट हार्ड टू ब्रेथ। अब जो पर्सन को ये कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उनको ब्रीथिंग करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी, रिजल्टिंग कॉफिंग, खांसी होगी, ब्रेथनेस जो है वो शॉर्ट हो जाएंगे, शॉर्ट ब्रेथ हो जाएंगे, विजिंग कि जो विसल जैसा साउंड प्रोड्यूस होगा। एंड द डिसीज इज ए क्रोनिक एंड इंटरफेयर विथ डेली वर्किंग कि आपके डेली रूटीन के ऊपर ये डिसीज़ के जो साइन एंड सिम्टम्स है वो अफेक्ट करते हैं। तो नॉर्मल के अंदर जो है वो किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता एयरवे के पाथवे को, बट जब अस्थमा के अंदर वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, नैरो हो जाता है, तो एयरवे की लाइनिंग स्वॉलन हो जाती है, रेड हो जाती है और एयर पाथवे में काफ़ी डिफ़िकल्ट हुई होती है। तो कौन से मेडिकेशंस यूज़ होते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर? तो ब्रोंको डायलेटर्स यूज़ किए जाते हैं, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट यूज़ किए जाते हैं, मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी वगैरह को हम यूज़ करते थे। ये है हमारे पास 5 अलग अलग चॉइस, ब्रोंको डायलेटर्स की, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, तीसरा मास्ट सेल, फोर्थ कॉर्टिकोस्टेरॉइड और 5वां ऑप्शन है एंटी IgE एंटीबॉडीज़ का। तो डिटेल में सीखते हैं सभी को कि ब्रोंकोडायलेटर्स कि जिसके अंदर बीटा 2 सिम्फेथोमाइमेटिक्स ड्रग्स आएंगे कि जैसे सालब्यूटामॉल। तो सालब्यूटामॉल काफ़ी फेमस है कि जिसके इन्हेलर्स मार्केट में अवेलेबल है कि इस तरह से जो भी अस्थमा का पेशेंट है वो ये इन्हेलर्स वगैरह यूज़ करता है कि जिससे क्या होगा कि ये मेडिकेशन उसके लंग्स के अंदर पहुंचती है इन्हेलेशन के थ्रू और वहाँ पे ब्रोंको डायलेटर का काम करेगी कि जब ये एयरवे काफ़ी नैरो हो जाता है तो उसको डायलेट करके एयरवेस को थोड़ा और उसका डायमीटर इंक्रीज करके एयरवे को जो नैरो था उसमें से ब्रॉड करने का काम करेगी कि ब्रोंको डायलेटर के तौर पे काम करेगी। तो इसमें सिम्फेथोमाइमेटिक्स है, दे आर सालब्यूटामॉल, फिर टर्ब्यूटालिन होता ही है, बैम्बुटेरोल है, साल्मेटेरोल है, फॉर्मोटेरोल एंड एफेड्रिन। तो ये पॉपुलर ऐसे मेडिकेशन से कि जो एज अ ब्रोंको डायलेटर्स के कैटेगरी में आते हैं। तो ब्रोंकोडायलेटर्स को और 2 क्लास में डिवाइड किया जाता है। एक तो बीटा 2 एगोनिस्ट के अंदर लॉन्ग एक्टिंग जो है जैसे कि साल्मेटेरोल, फॉर्मोटेरोल, आरफोर्मोटेरोल, कार्मोटेरोल, ओलोडेटेरोल, इंडाकटेरोल, तो ये हो गए लॉन्ग एक्टिंग। तो जो स्टूडेंट MCQ रिलेटेड प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट कि कौन से बीटा 2 एगोनिस्ट है कि जो ब्रोंको डायलेटर के तौर पे काम करते हैं एंड दे आर लॉन्ग एक्टिंग। फिर जो सेकंड है वो है शॉर्ट एक्टिंग जिसके अंदर सालब्यूटामॉल आएगा, टर्ब्यूटालिन है, लेवालब्यूटेरोल है, पिरब्यूटेरोल है, आइसोइथेरिन है, बिटोलटेरोल है, फेनोटेरॉल एंड प्रोकेटेरॉल। तो ज़्यादातर पीछे आप टेरॉल देख सकते हैं। तो रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन के थ्रू आप ये शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग दोनों एजेंट्स जो है वो याद कर पाएंगे। नेक्स्ट ब्रोंकोडायलेटर में ही जो पॉपुलर मेडिकेशन का क्लास है जो है मिथाइल ग्लाइसेंथिन डेरिवेटिव्स की जो यूज़ होते हैं एज ए एंटी अस्थमेटिक ड्रग, और उनका भी मेन मेकनिज़म हम देखें तो वो ब्रोंकोडायलेटर्स के तौर पे काम करते हैं कि जो ब्रोंकाइस को डायलेट करने का काम करती है। और उसमें सबसे पॉपुलर दैट इज़ थियोफाइलिन के सस्टेन रिलीज टैबलेट्स अवेलेबल होती है। इवन उसका इंजेक्शन भी पेशेंट को दिया जाता है। तो थियोफाइलिन के जैसे ही सिमिलर है एमिनोफाइलिन, कोलाइन थियोफाइलिनेट, हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफाइलिन, डॉक्सोफाइलिन एंड थियोफाइलिन इथेनोलेट ऑफ पाइप्राजिन। तो ये सब ब्रोंकोडायलेटर्स यूज होते हैं अस्थमा की ट्रीटमेंट के अंदर की जिसको हम कहते हैं एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। ब्रोंकोडायलेटर्स में एक और क्लास है वो है एंटीकोलिनर्जिक्स कि जिसके अंदर इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड के भी इनहेलर्स जो है वो अवेलेबल है कि जैसे साल्ब्यूटामोल का आपने देखा, सेम लाइक दैट इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड के भी इनहेलर्स अवेलेबल है। फिर टायोट्रोपियम ब्रोमाइड की यहाँ पे उसका देख सकते हैं 9 माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ का ये इनहेलर। तो ये दोनों एंटीकोलिनर्जिक्स इनहेलर के फॉर्म में भी अवेलेबल है एंड इट इज़ यूज बाय इनहेलर और नेबुलाइजर कि ब्रोंकोडायलेटर एक्शन देने के लिए ये मेडिकेशन पेशेंट किस तरह से यूज़ करते हैं। तो एक उसके इनहेलर के थ्रू या फिर नेबुलाइजर के थ्रू उसको यूज़ करते हैं एंड यूज टू ट्रीट अस्थमा क्रोनिक अटैक। फिर बात आती है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट की कि ऐसे मेडिएटर्स की जो रिस्पॉन्सिबल है कफिंग के लिए, स्नीजिंग वगैरह के लिए एंड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन वगैरह के लिए। तो जब ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट हम यूज़ करते तो वो सब मेडिएटर को हम स्टॉप करते हैं जिससे अस्थमा के अंदर पेशेंट को काफ़ी राहत होती है। तो उसमें सब टॉप पे जो मेडिकेशन है वो है मॉन्टेलुकास्ट है, फिर जाफिरलुकास्ट, प्रानलुकास्ट। तो ये हो गए ल्यूकोट्राइन जिसके अंदर 5-ऑक्सीजनेज इनहिबिटर के अंदर ज़ेल्यूटन, हाइपरिकम, परफोरेटम। तो ये दोनों आप याद रखिए 5-लिपोक्सी-ऑक्सीजनेज इनहिबिटर एंड ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। तो ये जो तीन है वो आपको याद रखनी है एज ए ल्यूकोट्राइन एंड 5-लिपोक्सीजिनेज इनहिबिटर में ज़ेल्यूटन एंड हाइपरिकम परफोरेटम। तो ज़ेल्यूटन के ये एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स अवेलेबल होती है, मॉन्टेलुकास्ट वगैरह के फिल्म कोटेड टैबलेट्स होते हैं। फिर मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स के अंदर कि जो प्रिवेंट करते हैं डीग्रेन्युलेशन ऑफ द मास्ट सेल by trigger the stimuli and these are indicated only for prophylaxis of bronchial asthma। तो ये पॉइंट आपके MCQ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कौन से ऐसे एंटी अस्थमेटिक ड्रग है कि ओनली यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। तो दे आर मास्ट सेल स्टेबिलाइजर और उसके एग्जाम्पल हम देखें तो इन्हेलेशन रूट से ही उनको दिए जाते हैं और उसका फेमस एग्जाम्पल है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, उसके बाद कैटोटिफेन, मिथाइल ग्लैंथिन्स एंड निडोक्रोमिल। तो ये चार ऑप्शंस आपको खास याद रखने हैं कि यहाँ पे सोडियम क्रोमोग्लाइकेट का आप इन्हेलेशन भी देख सकते हैं कि जो सनोफी का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है दैट इज ड्रग इनहिबिटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन ई एक्शन। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है ओमेलिजुमैब, तो ये है उसकी एंटीबॉडी अगेंस्ट द इम्यूनोग्लोबुलिन ई and it is indicated to prevent the attack of bronchial asthma in patient do not responding to combination of long-acting beta-2 agonist and high doses of inhalation steroids। कि आगे हमने जितने भी मेडिकेशन देखी उससे समझे कि पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, उसकी कोई इफ़ेक्ट उसको नहीं मिल रही, तो ऐसे केसेस के अंदर ये ओमेलिजुमैब की जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो प्रीफर किया जाता है टू द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। और ये जो है एज ए इंजेक्शन दिया जाता है सबक्यूटेनियस रूट से। तो यहाँ पे भी लिखा है, आप देख सकते हैं कि फॉर सबक्यूटेनियस यूज ओनली सिंगल यूज वायल आता है कि जिसकी स्ट्रेंथ रहती है 150 मिलीग्राम और ये डिजाइन करता है यूजुअली नोवार्टिस। फिर एंटीअस्थमेटिक में जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जैसे कि सिस्टेमिक के अंदर हम देखें तो हाइड्रोकॉर्टिसोन है, प्रेडनिसोलोन है, तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी यूज़ किए जाते हैं कि प्रेडनिसोलोन के डिस्पर्सिबल टैबलेट, हाइड्रोकॉर्टिसोन है तो उसके टैबलेट्स प्रेडनिसोलोन वगैरह यूज़ किए जाते हैं। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर इन्हेलेशन के अंदर बेक्लोमेथासोन डाइप्रोपियोनेट, बुडेसोनाइड, फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट एंड फ्लूनिसोलाइड और लास्ट में है सिक्लेसोनाइड। तो यहाँ पे उसके कुछ मार्केटेड फॉर्मुलेशंस आप देख सकते हैं कि जीएसके का ये साल्मेटेरोल के साथ कॉम्बिनेशन में फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट एक्यूहेलर कि जो इन्हेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड के तौर पे यूज़ होते हैं। इसी तरह से बेक्लोमेथासोन का भी इन्हेलर अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर। तो ये सभी एंटी अस्थमेटिक ड्रग है कि जो स्टेरॉइड क्लास के हैं। ड्रग ऑफ चॉइस की हम बात करें एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स के अंदर तो एक्यूट अटैक के लिए साल्ब्यूटामोल है। एक्यूट अटैक ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो उस वक्त जो सेफ है दैट इज साल्ब्यूटामोल। एक्यूट अटैक ड्यूरिंग द लेबर दैट इज इप्राट्रोपियम, दैट इज ए इप्राट्रोपियम। एक्यूट अटैक इन पेशेंट ऑन बीटा ब्लॉकर थेरापी की जिनको बीटा ब्लॉकर की थेरापी है और उस वक्त दूसरे मेडिकेशन आप नहीं देख सकते तो उस वक्त इप्राट्रोपियम ड्रग ऑफ चॉइस बनेगा प्रोफाइलेक्सिस के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये थे ऐसे कंडीशन कि जिसके अंदर कौन से मेडिसिन ड्रग ऑफ चॉइस बनेंगे इन ब्रोंकियल अस्थमा। फिर अगर किसी को एक्सरसाइज के कारण अस्थमा हुआ है तो उसके अंदर साल्ब्यूटामोल, प्रोफाइलेक्सिस के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड। फिर एस्पिरिन के कारण, एस्पिरिन के साइड इफेक्ट ओवरडोजेस के कारण किसी को अस्थमा हुआ है, उसकी हाइपर सेंसिटिविटी के कारण अस्थमा हुआ है तो उसके एक्यूट अटैक के अंदर साल्ब्यूटामोल और प्रोफाइलेक्सिस के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा स्पेशल लेक्चर अबाउट एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। फार्मारोक्स की जो लेक्चर नोट है, पीडीएफ एंड पीपीडीज ऑफ लेक्चर, रैपिड रिवीजन नोट्स अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारोक्स की ऐप ऊपर आपको मिल जाएंगे कि जो एंड्रॉयड ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन कर सकते हैं ये व्हाट्सएप ग्रुप्स, एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारोक्स। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।